प्रतिभा के सामने कितनी भी रुकावटें खड़ी कर दी जाए, मंजिल तक पहुंचने के लिए जूझ रहा व्यक्ति अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। वहीं लापरवाह और परिश्रम से जी चुराने वाले व्यक्ति के रास्ते में कितने भी फूल बिछा दिए जाए, एक अपाहिज की भांति मंजिल तक पहुंचने के बाद भी वो ज्यादा अरसे तक टिक नहीं पाता। इसे हमारे देश के दो शीर्ष नेताओं ने सार्थक साबित कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। जहां एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के बेटे के पास सुख और ताकत की कोई कमी नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ एक गरीब परिवार का बेटा जो चाय बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता था, उसका मुकाबला इस रसूख और शर्म ताकत से था। बेशक कई लोगों ने इस पर भी सवाल उठाया, अगर हम मान भी लें कि वो चाय नहीं बेचते थे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो रसूख के बल पर सत्ता में आए हैं। नरेंद्र मोदी के गरीबी पर सवाल उठाने वालों को ये जवाब देना चाहिए कि मोदी के अतीत में जो भी परिस्थितियां रही हों, वो राहुल गांधी के रसूख से तो मुकाबला कभी कर ही नहीं सकते थे। फिर राहुल गांधी रसूख के बल पर सत्ता में क्यों नहीं आ सके? मोदी के संघर्षों की कहानी आरएसएस प्रचारक के तौर पर शुरू हुई। एक ऐसा लड़का जो हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर बीजेपी में जिम्मेदारी संभालने लगता है, उसके संघर्ष के इस पड़ाव में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का अवसर भी आता है। 2001 में गुजरात भूकंप के नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री का कार्यभार मिलता है। उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और राजनीतिक अस्थिरता के चलते फैसला लिया गया। इसके बाद से राजनीति में एक ऐसा धुरंधर नेता की एंट्री होती है जिसका काट मौजूदा समय में शायद किसी के पास नहीं है। समय का पहिया घूमता रहा और 2014 में वो दौर भी आया जब गरीब परिवार का लड़का प्रधानमंत्री पद का दावेदार बन गया। उस दौर में नरेंद्र मोदी जगह जगह घूमकर इंटरव्यू दे रहे थे। ये दौरान सोशल मीडिया के विस्तार का भी था। मोदी के इंटरव्यू और दलीलों से लोगों में विश्वास जागने लगा था कि व्यक्ति हमारे देश के लिए कुछ तो कर सकता है। विरोधी उस समय भी इसी सिरे से खारिज करने में लगे हुए थे, वो मजाक उड़ाने लगे। उस समय कांग्रेसियों ने चाय वाला बताकर मजाक उड़ाया। इससे गरीब लोगों का उबाल इस चरम पर आया और आखिर में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की 282 सीटों पर जीत हुई। वहीं एनडीए अलायंस को 366 सीटें मिली और पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। जैसे जैसे मोदी के जरिए देश को नेतृत्व मिल रहा था, वैसे वैसे बहुसंख्यक समाज का मोदी पर विश्वास करता गया। इसके बाद मोदी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 2019 में 303 सीटों पर मोदी की बीजेपी की बंपर जीत हुई और अब तो 2024 में 400 पार का नारा लगने लगा है। सोशल मीडिया पर इसके मीम्स जमकर वायरल हो रहे हैं। मोदी के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए लगता है कि 2024 में भी कोई रिकॉर्ड तो टूटने वाला है। वही कांग्रेस अन्ना आंदोलन के बाद से ही सिमटना शुरू हो गई थी। उस वक्त भ्रष्टाचार इतना चरम पर था कि लाखों करोड़ों सरकारों की खुलेआम मिलीभगत से बंदरबाट चल रहा था। 2014 के बाद से राहुल गांधी की हिम्मत भी जवाब देने लगी थी जो 2019 में करारी हार से चकनाचूर हो गई। इसके बाद राहुल गांधी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की जिद पर अड़ गए। वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि अब कोई रसूख काम नहीं आ रहा। बीते दिनों ही चंद राज्यों में सिमटी कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ से भी हार करवा दी। इसे कहते हैं समय सबसे ताकतवर होता है और समय उसी का साथ देता है जो परिश्रम करता है। समय रसूख का साथ ज्यादा अरसे तक नहीं देता।